हर तबके के लोगों का गेट टुगेदर होता है, हर प्रोफेशन के लोगों का गेट टुगेदर होता है और विचारों का आदान प्रदान होता है। बिजनेसमैन आर्टिस्ट से मिलता है, आर्टिस्ट बिजनेसमैन से मिलता है, बिजनेसमैन पॉलिटिशियन से मिलता है, पॉलिटिशियन तो सबका एक एक गुलदस्ता बन जाता है। तो मुझे लगता है कि ऐसे फंक्शन होते रहने चाहिए। और ये महानगरी है, यस, और महानगरी में मतलब मुंबई जैसे शहर में जो कुछ भी होता है वो सुपर डुपर होता है, बहुत अच्छा होता है। और इसीलिए हम लोग भी आए हैं, इतने प्यार से बुलाए हैं, माहौल देख ही रहे हैं आप, चारों तरफ साउंड ही साउंड है, सिंगर भी हैं, डांसर भी हैं, वे कॉमेडियन भी हैं। तो हमारी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर आपके अंदाज में कहना क्या कहेंगे आप? वाह, मेरे अंदाज में बुलाया सब क्या है, फिर बाद में आते, बाद में आए। I am a people's man. तो मुझे किसी ने दिल्ली वाले ने बोला था कि आप हमारा मतलब है ना यहाँ पर ये चलाइए इंडिया बॉम्बे में, उनका चैम्बर था। तो मैंने शुरू कर दिया, मैं बोला हाँ ठीक है आप बोलते तो कर लेते हैं। फिर वो बोलते हैं हर बात हमको पूछ के आप करना जी। बोलो भैया आप भेज जैसे आदमी को ले रहे हो, मैं आपसे पूछ पूछ के करूँगा, आप मुझे पूछ के करो। बोला कि देखो आपका टेम्पर बहुत शॉर्ट है, आप नहीं सक सकेंगे। तो मैंने अपना IBG शुरू कर दिया। आप लोग सुन रहे हैं? सुन रहे, आवाज आ रही, सब सुन रहे, ये लगे पूछना पड़ता है यार। नहीं सुन रहे हैं, 7 साल हो गए, IBG के 1000 मेंबर हो गए, हमारे हर महीना 2 इवेंट होते हैं ऐसे हर महीना। सर हमको हैप्पी टू सी यू, आई एम अ रियल एडमायरर एंड योर एंड योर। तो आइए हमारे मेंबर बनिए, हम मुंबई में, बॉम्बे बोले मुंबई बोले, मुंबई बॉम्बे बोलिए, मुंबई बोलिए मुंबई। 7000 लोगों को, बिजनेस वालों को हमारा हर महीना करना चाहता है। और क्या, तो मैं अपनी बात नहीं करना चाह रहा हूँ, मेरे साथ इतने बड़े हस्ती बैठे हैं, इनको पूछिए जो भी पूछना है। विकास जी, एहसान जी से मैं, एहसान जी को मैं आज ले आया हूँ यहाँ पर, वो कहीं बिजी थे तो मैंने उनको कहा कि IBG का बढ़िया मुहूर्त है यहाँ पर, शुभ मुहूर्त है। 7 साल तो हो चुके लेकिन बॉम्बे में पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहा है। और इवेंट्स की दुनिया हमारे लिए तो भैया वरदान की तरह होती है, जितने इवेंट ज़्यादा होंगे उतना, क्योंकि सर के पास जब भी फ़ोन करो तो ये इवेंट में इतना बिजी रहते हैं कि इनका नौकर फ़ोन उठाता है, उनका सर है, बोले ही इवेंट, मैडम है शी इवेंट, फॉर इवेंट, आप सर इवेंट, वेरी गुड। तो इतना इवेंट का क्रेज है और हम सब कलाकारों को, कलाकारों के लिए इवेंट जो है पूजा कह सकते हैं, मंदिर कह सकते हैं, सब कुछ है हमारे लिए। तो इवेंट जितने ज़्यादा इवेंट कंपनियां खुलेगी और ऐसे रिस्पॉन्सिबल और रिस्पेक्टेड लोग उसमें आएंगे तो ये हमारे लिए बहुत मजबूती वाला काम करेगा। और मुझे लगता है कि इसके लिए एहसान जी भी शायद इस बात को सहमत होंगे। नहीं कुछ नहीं, हम तो विकास जी के बड़े, बहुत बड़े फैन हैं। और विकास जी आपके लिए 2 लाइन कहना चाहता है कि IBG वाले तो छा गए, IBG वाले तो छा गए, विकास जी ने प्यार से बुलाया तो हम भी सुनील अग्रवाल के साथ आ गए। और हाईलाइट है कि इनके रूप में ही सही कलाकारों का तो विकास हो ही गया। ओ तो जहाँ पर काम करना होता है बहुत इजी, जहाँ पर काम करना होता है बहुत इजी, उस इवेंट कंपनी का नाम है IBG। यस, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, हैप्पी रहें, हर 15 दिन में कार्यक्रम कराएं, आर्टिस्ट बुलाएं, सिंगर बुलाएं, डांसर बुलाएं, कॉमेडियंस बुलाएं। हम तो बिल्कुल आ जाएंगे, हमारा कोई ईगो नहीं है, सिर्फ पेमेंट है। यहाँ बहुत सारे कंटेंट बनने वाले हैं, आप दोनों जो बहुत कलाकार हमारे इस इंडस्ट्री के, बॉलीवुड के और एंटरटेनमेंट में आए हुए स्टैंड अप कॉमेडी फिल्म भी आपने करी है, तो आपको कंटेंट के बारे में आपका क्या विचार है, किस तरह का कंटेंट कॉमेडी में और एंटरटेनमेंट बनना चाहिए, कुछ मीनिंगफुल कॉन्टेंट, कुछ एंटरटेनिंग कॉन्टेंट? नहीं आपके सवाल में ही, आपके सवाल में ही, आपके सवाल, आपके सवाल में ही जवाब है, आपके सवाल में ही जवाब है। कंटेंट हमेशा मीनिंगफुल होना चाहिए, मीनिंगलेस कंटेंट का कोई ना फ्यूचर होता है, ना भविष्य, ना भूतकाल, उनका भूत हो सकता है
फ्यूचर तो नहीं हो सकता। तो मैं बहुत सारे नए कंटेंट हैं, मैं समझता हूँ कि अभी परसों देख रहा था मैं कि एक भिखारी भीख मांग रहा था, नौजवान भिखारी, बोले कैसा नौजवान है तू, नौजवान होके भीख मांग रहा कैसा भारतीय है तू, बोले मैं भारतीय हुई नहीं। अच्छा, तू कौन है, बोले पाकिस्तानी। मैं कहा पाकिस्तानी होकर यहाँ क्यों भीख मांग रहा है, इंडिया में क्यों मांग रहा है, बोले कहाँ मांगू कहाँ मांगू, बोले अपने देश में मांग। मैं कहा अपने देश में मांग, बोले किससे मांगू, वहाँ तो सब मांग रहे। मैं कहा अपने प्रधानमंत्री से मांग जो बड़ी बड़ी बातें करता है, बोले मैं प्रधानमंत्री हूँ वहाँ का। तो ऐसे कंटेंट जो है कंटेम्प्रेरी हमारे पास निकल आते हैं और हम लोग उसको एंजॉय करते हैं और बातें निकल आती हैं। अभी एहसान कुरैशी जो है वो साहित्य से जुड़ी बातें करते हैं, परसों एक नेता भाषण दे रहा था कि दोस्तों मित्रों हमारे पार्टी ने क्या क्या नहीं किया आपके लिए, मेरे दादी ने इस देश को आगे बढ़ाया, पापा ने दुप्पट किया, मुझे मौका तो मैं चौपट कर दूंगा। मैं कहा एहसान जी ये नेता क्या कुत्ते की तरह भौंक रहा है, बोले अगर यही वाक्य बोलना है उसके मुंह पर तो बोलो डायरेक्ट नहीं बोलो लेकिन साहित्य की भाषा में बोलो। बोले कौन सी साहित्य की भाषा में, बोले उनको बोलो कि सर आपका एक एक वाक्य मोती की तरह है, मोती की तरह। बाद में पता चला कि मोती इनके कुत्ते का नाम है। तो साहित्य में और शब्दों में ये दम होता है ये बात। और ये इवेंट वाले हैं, अगर इनका मन हो जिस दिन ज्यादा पीने वाले हो उस दिन कौन सा आर्टिस्ट बुलाना चाहिए। हमारा नाम है रतन नोरा और हमको पसंद है सिर्फ सूरा, उसके बिना हम है अधूरा, और एक दिन ना पीऊं तो बन जाता हूं धतूरा। नहीं ऐसे मौके पे पीके को बुलाना चाहिए। हाँ, नाम है पराग कंसाल में आया था। यस, और जहाँ पुलिस का शो हो वहाँ एसपी को बुलाना चाहिए, एसपी सुनील पाल। और जहाँ बहुत ज्यादा मनी हो वहाँ आरएस को बुलाना चाहिए, राजू श्रीवास्तव, राजू श्रीवास्तव, ये रुपीज आने वाला आने वाला। और जहाँ कैदियों का प्रोग्राम हो वहाँ जेल को बुलाना चाहिए, जेल जॉनी लीवर, जॉनी लीवर, जेल जॉनी लीवर, बहुत दिन से नहीं मुलाकात। और वकीलों के शो में केस को बुलाना चाहिए, कपिल शर्मा केस। लेकिन एक प्रोग्राम में एहसान कुरैशी को बुला लिया, वहाँ की सारी टीम इनको मुंह पे ही कह रही है ये क्यों आया ये क्यों आया ये क्यों आया, बोले तो मेरी मुंह पे बेइज्जती कर रहे हैं। नहीं सर आपके नाम का शॉर्ट फॉर्म है ये क्यों, एहसान कुरैशी ये क्यों। चलिए हंसते रहें मुस्कुराते रहें, बहुत मजा। सबसे पहले तो थैंक यू विकास जी को, थैंक यू फॉर कॉलिंग। ये इंटरनेशनल इवेंट करते हैं और इन्होंने आज मुझे बुलाया यहाँ पर। मैं एक एक्ट्रेस हूँ, मैंने दिया बाती हम स्टार प्लस पे शो किया है ये रिश्ता क्या कहलाता है, मैंने मूवी की है रानछोड़ा एज मनुष्य मदर, अभी मेरी मूवी आने वाली है विवान शाह के साथ, की बात है, हम जुड़े हुए इनसे आगे इवेंट करते रहेंगे। हमारा तो है ना मुकद्दर ही खुल गया, ये आ गई यहाँ पर फ्यूचर ही खुल गया। थैंक यू वेरी मच। तो बात ही क्या कर रहे हैं, इनको तो बोलने की क्या रह गया। हमने देखिए हमने मतलब हमारे टीम को बोला कि आपने नाम तो लिख दिया है लेकिन आने वाले नहीं। तो आप लोग अननेसेसरी मत ये लगा के बैठिए कि आदमी ने, आप मुझे बोले कि हमने आदमी को बाहर डोर पे खड़ा रखा है, थोड़ा टाइम वेस्ट किया, ये नहीं आई है फिर यहाँ बैठे हैं और हम क्या बोलेंगे इसके। प्यार से बुलाएंगे, प्यार से बुलाएंगे तो आई गए। हमारा अभी प्लान है कि अभी हम मूवी प्रोडक्शन में जाएंगे, मेंबर जो है हमारे 1000 मेंबर है, इनको सबको इंटरेस्ट है कि हम कुछ मूवीज में करें, ये करना ही पड़ेगा, हम क्या करें। यू नो जैसे डेमोक्रेसी में पब्लिक बोलती है कि ये करो तो लीडर को करना ही पड़ता है, तो यही होने वाला है। आप नोट कर लीजिए 100% अगर ये मान लें तो हमारे खान लुक लाइक ऑफ अनिल कपूर। और दोस्तों आज ये अवार्ड हो रहा है, इसका नाम है आई जी पी, आई पी जी
आई बी जी मतलब ये बिजनेस ग्रुप है, और इनके जो बॉस है दिलीप साहब और राजेश श्रीवास्तव, इज माई गुड फ्रेंड मिस्टर राजेश श्रीवास्तव फिल्म स्टूडे, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ आया हूँ। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आज इन लोगों ने मुझे भी अवार्ड दिया है, और इनके लिए क्या कहूँ, ये एक नए अंदाज में जो करना चाह रहे थे नए अंदाज में किया इन्होंने, और आप देख ही रहे कि सब कुछ अंधेरे में हो रहा है, उजाले में कुछ नहीं हो रहा इवेंट करते, बट भाई राजेश श्रीवास्तव हमारे दोस्त, मैं चाहूँगा कि उनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अभी उन्होंने मुझे एक अवार्ड शो हुआ था उसमें मुझे याद किया, राजेश भाई प्लीज़ कम सिट, इज माई गुड फ्रेंड, और ये बहुत बड़े दिल के शख्स है और हमेशा रहेंगे, और मेरे लिए बहुत कुछ करते हैं, मेरे भाई है, मेरे दोस्त है। और राजेश श्रीवास्तव के लिए भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, दिलीप साहब के लिए भी देता हूँ, और IBG ग्रुप को भी मैं इतना ही कहूँगा कि तुम्हारी पसंद को मैं अच्छी तरह से समझता हूँ, दिलीप साहब तुम्हारी पसंद को मैं अच्छी तरह से समझता हूँ, IBG ग्रुप है प्यारा, खुशी मिले सबको कि आसमान की बुलंदी बिनाम हो आपका, बोले तो एकदम मस्कश मस्का है, बोले तो एकदम चकास चकास। थैंक यू। क्या है IBG की प्रोग्राम, क्या है ये IBG जो है? एक इंडिया बिजनेस ग्रुप है, और ये बहुत बड़ा कॉर्पोरेट सेक्टर में एक बहुत बड़ा ग्रुप है, और ये बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, और ये मतलब देश विदेश के इवेंट होते हैं, और मतलब इंटरनेशनल लेवल के लोग इससे जुड़े हुए हैं, और एक मार्केटिंग मतलब गेट टुगेदर, ये लोग हर महीने एक कार्यक्रम करते हैं जिसमें गेट टुगेदर एक लोग दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे का बिजनेस बढ़ाने का प्रयास करते हैं। मैंने देखा है आप भी कई प्रोग्राम को, जैसा कि आप सिंगापुर में अवार्ड किए, मुंबई में अवार्ड किया आपने, बताएंगे। मैं अभी गत 12 वर्षों से हमारी जो पत्रिका है फिल्म टुडे जो हम प्रकाशन कर रहे हैं, और इन 12 वर्षों में हमने लगभग 11 कंट्री हमने इवेंट किए हैं, और बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट रहे हैं, आप सब लोगों का आशीर्वाद रहा है मेरे ऊपर। और अभी हमने लास्ट दुबई, मॉरिशस, सिंगापुर इवेंट किए हैं, और सिंगापुर में हमने इंटरनेशनल बिजनेस अवार्ड किया था, उसके बाद में अभी हाल में ही अभी हम हमारे प्लानिंग है लंदन में हम लोग फिर बिजनेस अवार्ड करने वाले हैं, ये हमारे कार्यक्रम चल रहा है। अभी भी हाल में आप लोग कृपा से हमारे कार्यक्रम हुआ था फिल्म टुडे और नाना नानी फाउंडेशन प्रेजेंट ड्रीम अचीवर सेवा, जो हमारा बहुत ही सक्सेसफुल हुआ, जिसमें हमारे महाराष्ट्र के गवर्नर साहब आए थे, उनका आशीर्वाद मिला, लोगों का आशीर्वाद मिला, कई आर्टिस्ट आए थे, और हमारी उसको पब्लिसिटी इंटरनेशनल मीडिया ने हमारी पब्लिसिटी की है, तो फॉरेन के अखबारों में, चैनल में, सब जगह हमारी न्यूज़ आई। आपकी मैगजीन तब तक कई आर्टिस्ट छप चुके, कौन सा ऐसा आर्टिस्ट है जो राजस्थान मतलब सभी लोग छप चुके हैं, और मेरा बड़ा एक प्रयास है, मैं चाहता हूँ कि मैं एक नेक्स्ट मैं एक बहुत अच्छा एक कार्यक्रम करने वाला हूँ स्वच्छ भारत पे और बेटी बचाओ पे, जिसमें बड़ा प्रयास है कि हमारा कवर पेज में हमारे नरेंद्र मोदी जी आएँ, और बड़ा कोशिश है आने वाले समय में उनको मैं कवर पेज पे लाऊंगा, और उनके जो उन्होंने हमारे देश के लिए जो काम कर रहे हैं, निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं हमारे देश के लिए, मैं कोई पार्टी या उसके लिए बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पर्सनल लेवल पर मैं जब जाके बात करता हूँ तो हमारे प्यारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही अच्छा काम किया है, और मैं चाहता हूँ आने वाले समय में उनको कवर पेज पर लाकर और अपनी मैगजीन को उनके हाथ से लॉन्च करवाऊँ, और स्वच्छ भारत और बेटी बचाओ पर मैं बहुत बड़ा काम करना चाहता हूँ। काम और भी शिक्षा दान का, हाँ शिक्षा दान अभियान का हमने कार्यक्रम स्टार्ट किया था, जिसमें लास्ट ईयर हमारा अन्ना हजारे साहब ने पोस्टर लॉन्च किया था, और अभी हम खुद बहुत अच्छा, अभी आने वाले मई में फिर हम उसका अभियान चालू करेंगे, जिसमें कई फिल्म स्टार कई नेताओं से हमारी बात चल रही है, जो पोस्टर लॉन्च होगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, और कई बच्चों को कोशिश प्रयास मेरा ये है कि हज़ारों बच्चों को हमारे तरफ से निःशुल्क शिक्षा मिले। मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ विकास जी का, जिन्होंने ऐसे ऐसे कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करते हैं जिनके आने के हर व्यक्ति को यहाँ पे इस ग्रुप में आके फ़ायदा मिलता है, और मतलब बहुत ही मतलब तारीफ काबिल काम करते हैं हमारे विकास जी। मैं विकास जी को बुलाना चाहूँगा एक बार उनका भी इंटरव्यू साथ में जाए।
करता हूँ। विकास जी, विकास सर, विकास जी, विकास सर, प्लीज सर एक बार। हाँ, मैं बहुत ही एहसानमंद हूँ अपने आईबीजी ग्रुप के श्री विकास नितिन सिंह जी का, जो हर महीने ऐसे ऐसे कार्यक्रम आईबीजी ग्रुप के तहत करते हैं जिसमें लोग ग्रुप में आते हैं, एक दूसरे मिलते हैं और सबको फ़ायदा होता है, निःशुल्क फ़ायदा होता है। यहाँ पे कोई किसी की फीस नहीं है, किसी को चार्जेज नहीं है, लेकिन सब अपने अपने खर्चे से जो भी इन्वॉल्वमेंट होता है सब अपने करते हैं। और बहुत ही सर इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतना सामाजिक कार्य करते हैं सर, मतलब इतने बड़े इंसान हैं लेकिन इतने डाउन टू अर्थ है कि मैं इनकी बहुत ही रिस्पेक्ट करता हूँ। बड़े भाई की तरह हैं और आने वाले समय मेरी इनसे बड़ी रिक्वेस्ट है कि ऐसे बहुत अच्छे काम करते रहें। और साथ में तो हमारे ये इंटरनेशनल इवेंट करते रहते हैं, काफ़ी बड़े लेवल इवेंट करते हैं, और मैं सर का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आई विज यू और ऐसे बढ़ता रहे और हम लोगों को बहुत फ़ायदा होता है। थैंक यू, शुक्रिया, आपने इतनी बातें बोल दी, अभी हमारे लिए बोलने की कोई राय नहीं। आपका भी शुक्र गुजार है कि आप लोग आए। आई बी जी एक चैम्बर ऐसा है जो पब्लिक प्लेटफॉर्म है, जिसको चाहिए आके अपने आपके बारे में बता दें, कर लें, पिक्चर दिखा दें, डांस कर लें, गाना गा लें, कि ये बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिएट हो गया है। 7 साल हो गए हैं, हमारे 1000 से ज़्यादा मेंबर हैं और ये जैसे जानते हैं बहुत हमारे काम कार्यक्रम होते रहते हैं। ये हैं हमारे साथ मराठी फिल्म प्रोड्यूसर और एक्ट्रेस, इनको भी हम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। बताइए आपके पास क्या कहेंगे आप, जुड़े हो आईबीजी के साथ काम, क्या कहेंगे? आईबीजी से तो मेरा बहुत ही पुराना रिश्ता है और मैं आईबीजी में हूँ इसका एकमेवा कारण है मिस्टर विकास मुदसर जी। आई थिंक उनकी जो लगन से जिस लगन से वो जो आईबीजी को बढ़ा रहे हैं, आज जिस तरीके से आप लोग यहाँ मौजूद हैं, ये उसके ये एक प्रगति का एक प्रमाण पत्र है उनके लिए कि आज उन्होंने आईबीजी एंटरटेनमेंट फॉर बॉयलर को इस मकान पे लेके गए हैं कि आज कहाँ कहाँ से लोग इस प्लेटफॉर्म पे आना चाहते हैं, इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करना चाहते हैं। और मैं इसी मीडियम से लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ कि विकास मिटरसन जी ने आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म पेश किया है, उसका आप आइए, उसका अनुभव लीजिए। एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ कि बहुत सारे शॉर्ट फिल्म मेकर्स हैं जिनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है उनके शॉर्ट फिल्म का प्रोमो करने के लिए, ट्रेलर्स देने के लिए। सो आई थिंक उन सभी ने इस प्लेटफॉर्म का अनुभव लेना चाहिए, क्योंकि इतना हजार लाखों लोगों तक ये प्लेटफॉर्म पहुँचा हुआ है और एक रेडी प्लेटफॉर्म